दोस्तों नमस्कार, हम फिर उपस्थित हैं लेकर एक नया विशेष एपिसोड होली स्पेशल। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल होली पर विशेष योग का निर्माण हो रहा है, जिससे होली का महत्व बढ़ रहा है। कहा जाता है कि होली पर पीली सरसों के जरिए मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए होलिका दहन पर पीली सरसों से हवन करें। ऐसा कहा जाता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में धन संपत्ति और भंडारे भरती हैं। इसके लिए दोपहर में होलिका दहन की पूजा करने जाएं और शाम को होलिका दहन के समय सरसों के कुछ दाने समर्पित कर दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अह कूटा भय त्रस्तैः कृता त्वं होली बालिशैः अतः स्वां पूजयिष्यामि भूति भूति प्रदायिनी मह। होलिका पूजन के समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, इससे आपको समृद्धि और यश की प्राप्ति होगी। दोस्तों, होलिका दहन के संबंध में एक प्राचीन कथा यूं है कि असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे नहीं जला सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को अपने गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। दैव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका वहीं भस्म हो गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। होली का त्यौहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्यौहार है, जिसमें अध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्यौहार को रंग और गुलाल के साथ मनाने की परंपरा है। दोस्तों, होली का त्यौहार भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह वैदिक काल से मनाया जाता आ रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। इसके लिए हुड़दंग और रंगोत्सव का यह भी कारण बताया जाता है कि नृसिंह रूप में भगवान विष्णु इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक महाअसुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। होली हमारे देश भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में रंग पंचमी पर बड़ी बड़ी गेर का आयोजन किया जाता है, जिसमें सड़कों पर रंग मिश्रित सुगंधित जल छिड़का जाता है। सूखे रंगों से होली खेलकर और एक दूसरे पर रंग उड़ेलकर इस त्योहार का आनंद उठाया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के इन दिनों आदिवासी इलाकों में भगोरिया बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ होली के त्योहार और रंग पंचमी पर खास पकवान बनाए जाते हैं और भांग की ठंडाई का लुत्फ उठाया जाता है। विशेषकर पूरे मालवा प्रदेश में, जिसमें खास तौर पर इंदौर नगर में होली पर जुलूस निकालने की पुरानी परंपरा है, जिसे गेर कहा जाता है। इस गेर के जुलूस में बैंड बाजे नाचना गाना सब कुछ शामिल होता है। इस जुलूस में सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश की रंग पंचमी। होली रंग पंचमी का त्यौहार देश में अलग अलग अंदाज से मनाया जाता है। जहां मथुरा वृंदावन और बरसाने की लठमार होली विश्व भर में प्रसिद्ध है, वहीं बाराबंकी में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर भी होली खेली जाती है।
यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर इस त्योहार को खुशी खुशी मनाते हैं। इस दरगाह पर खेली जाने वाली होली कौमी एकता का संदेश देती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर परिवार में बेसन की सेव और दही बड़े बनाए जाते हैं। इसमें कांजी, भांग और ठंडाई इस त्योहार के विशेष पेय हैं। कई स्थानों पर होली के दिन घर में खीर, पूड़ी, पुड़े आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। खास तौर पर इस त्योहार पर गुझियों का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की रंग पंचमी। महाराष्ट्र में खास तौर पर धुलेंडी के बाद पंचमी के दिन रंग खेलने की परंपरा है। यहाँ विशेषकर सामान्य रूप से सूखे रंग के गुलाल से होली खेली जाती है। भोजन में पूरन पोली बनाने का खास महत्व होता है। उसके साथ आमटी, चावल और पापड़ आदि तल कर खाने की परंपरा है। कोंकण में इसे शमिगो नाम से मनाया जाता है। यहाँ विशेष रूप से इस अवसर पर लाल, नारंगी और फिरोजी रंग हवा में उड़ाने की परंपरा है। यहाँ जैसलमेर के मंदिर महल में लोक नृत्यों में डूबा वातावरण देखने का अपना अलग ही मजा है। छत्तीसगढ़ की रंग पंचमी। देश भर में वैसे तो बरसानी की लठमार होली प्रसिद्ध है, लेकिन जांजगीर से 45 किलोमीटर दूर पंतोरा गांव में प्रतिवर्ष धूल पंचमी यानी रंग पंचमी के दिन कुंवारी कन्याएं गांव में घूम घूम कर पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। इस मौके पर गांव से गुजरने वाले हर पुरुष को लाठियों की मार झेलनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो, फिर वो सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस। करीब 300 वर्षों से अधिक समय से जारी यहाँ की लठमार होली अब यहाँ की परंपरा बन गई है। दोस्तों, आप सभी को होलिका दहन और रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारा ये होली विशेष एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए स्पेशल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी होली।